आज का समाचार की शुरुआत जिला का सबका अच्छा समाचार का साथ करा। गादंडियों माकड़ोन का माय भट्टा मार चली गई थी, एक मोटरसाइकिल बली गई थी, सरदार पटेल साहब की मूर्त पड़ी गई थी, पाटीदार समाज ने अनुसूचित जाति समाज वाला उनका बीच में ठनी गई थी, इना झगड़ा का बाद लोगा की आपस में नहीं बनी थी, उस अगले टन टॉप खत्म हुई गयो। गुरुवार दफोर जिला का कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने पाटीदार समाज वाला भाई उन अनुसूचित जाति समाज वाला भाई उनका बीच को भेद मिटायो। आनी बात पे पिक्चर को एक सीन याद आई गयो, नाना पाटेकर वाली पिक्चर क्रांति। दो तरफ का लोगों की उंगली बाटास कुचुआ का बाद अतलिप दिखाई का देखे के तो देख 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 ये हिंदू खून या मुसलमान का खून कौन किसका है बता। उको जी साहब कई पुलिस वाला भाई उनको भी है, यहाँ कणी की उंगली तो कुचाई, हाँ बवाल करवा वाला उनके हवालात की हवा जरूर मिलेगी। इसके बाद मामलो पाछो राजीनामा पहुंची गयो। फैसलो यो हुयो के माकड़ोन में जड़ी जगह सरदार पटेल साहब की मूर्त लगी थी वहां पेज वाज मूर्त पाछी लगेगा, इका साथ बस स्टैंड कने डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी मूर्त लगेगा। विगत दिनों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्व ने तोड़ दी गई थी, उस संदर्भ में आज माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दोनों पक्ष की उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई और आपसी सामंजस्य से यह तय किया गया है कि जैसे पूर्व की तरह माकड़ोन में एक मिसाल दी जाती थी है सर्व समाज एकता से रहने की, उस प्रकार फिर से सामंजस्य बनाया गया है और तय किया गया है कि जहां विवादित जगह पर मूर्ति तोड़ी गई थी वहां पर पुनः सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जाएगी और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का बस स्टैंड है वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। हम ये चाहते थे कि पाटीदार समाज और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिलकर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाए, और आज ये सर्वमान्यति से तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा माँ जो है बाबा साहब बस स्टैंड के अंदर लगेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है चौराहे पर लगेगी, ये सर्वमान्य से हुआ है। उज्जैन से मक्सी वाली सड़क पे एक कार ने एक मोटरसाइकिल का बीच आमे समय एक भिड़ंत हुई की। भिड़ंत इतनी जबरी थी मोटरसाइकिल पे बैठे एक छोरों भी की माँ दो ही खत्म हुई गया। साजापुर जिला वाला मालीखेड़ी गांव की रहने वाली सुनीता बाई पति धीरज तोमर अपना छोरा राज तोमर के साथ लेके यहाँ उज्जैन में कड़ी रिश्तेदारी कार्यक्रम में आई रही थी। मक्सी का बात का दोन तक मदरसा कड़े इनकी गाड़ी के कार वाला ने दे मारी थी। एक सीन जरा उज्जैन वाला स्टेशन का बाहर हुई रंगदारी को भी देख लो। उज्जैन स्टेशन का बाहर उत्तापा उनने थोड़ी इन बहुत कोई 10-12 अट्टा उनका कांच लोया की राड़ से फोड़ी लख्या। लाइसेंसी दुकान पे बिकवा वालों गदक मुद गटकी के ऐसी खुमारी चढ़ी के एक लेन से सगली अट्टा उन बूची करी मेली। अट्टा वाला भाई विजय जायसवाल ने अनिप में इनने पुलिस के बताया माल गोदामवाड़ी का स्टेशन का स्टैंड पे एक तो बेगमबाग को इमरान इम्मा ने इंदिरा नगर को कद्दू ये दो आयदन रंगदारी करी रिया। दफोर में यह घटना वही इकाबाद सगड़ा आटो वाला भाई उन मिली के पहला जीआरपी गया ने इकाबाद देवास गेट पर जाई के दो का खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, दो हाथ करी के इलाज मांगी रहे देखी लो। सर जीआरपी थाने में रिपोर्ट डाली है, 8 से 10 लोगों की गाड़ी के कांच फूटे, किसी गाड़ी का 4,500 का कांच है, किसी का 1200-1500 का है, इस करके 8 से 10 गाड़ी फूटी है। आपके कद्दू है और इम्मा करके दो लड़के हैं, क्या कारण है उनका? कारण कुछ नहीं बस रंगदारी आए करते, क्या करते हैं? हफ्ता वसूली तो नहीं करी बाकी यहाँ के बस आए और गाड़ियों के कांच फोड़ के चले गए। कारण क्या रहता है, क्या कुछ तो कारण होगा? बस कुछ नशे पत्ते में आए और गाड़ी के कांच फोड़ के चले गए। सर ये क्या है कि आए दिन की बात है कांच फोड़ दिए गाड़ी के 8-10 के और इसका मालूम तो नहीं हमारे को, मगर हमारे भाई लोगों की गाड़ी फूटी है और कौन लोगों ने फोड़ी ये भी हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम तो सवाई लेके गए थे। क्या दो एक नाम जो विजय भैया ने बताया हमारे, क्या पहले पे घटनाएं हो चुकी है? इसके पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मगर क्या है कि ये घटना ही शर्मनाक है बिल्कुल, हमारे जो भाई लोगों की गाड़ी फूटी है इनमें। छिपरा जिम नरसिंह घाट कणे का पुल नीचे से रविवार अवेर पुलिस वाला भाई उनके एक जना की लाश मिली है। तेराक दल वाला भाई उनने लाश देखी के ने तैरता देखी तो वीके बाहर निकाले उन पुलिस वाला भाई उनके बतायो आनी आदमी जेब से एक पर्ची मिली है जिपे खाली इतरोज लिखियो राम दयाल ने राजगढ़। पुलिस वाला भाई उन्होंने पर्ची के जरिए का घर वाला उनके ढूंढी रहा है।
एक और समाचार, पिपलोदा द्वारकाधीश गांव में नहीं गया था राम निवास जी इनका घर से मां साहब मुंडनी जी बदमाश उन्होंने हत्या कर गया था। इना मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एसपी के अलग से टीम बनाने ने अलग से इनकी जांच करावा का आदेश दे दियो। पहली निगे में तो मामला लूट कर लगी रहो, दूजा पैंच हुई सके आने वास्ते अलग से एसआईटी बनी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर ने एसपी इन दो ही अधिकारी उनसे फोन पे बात करी, इका बाद हत्यारा उनकी गिरफ्तारी पे झट से 20,000 रुपये को इनाम घोषित हुई गयो। शनिवार रात आज पुलिस गांव का नरा सरा सीसीटीवी वाला वीडियो उन भी लेके आएगी ना, अबे इनके खंगाली रहा है, देखा कही आए। उज्जैन जिले में थाना नरवल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश में सुबह के समय बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी, इसमें प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी। इसमें एसआईटी गठित की गई है जिसमें लगातार जो आरोपियों की गिरफ्तारी है उनके प्रयास, पहचान के प्रयास और जो विवेचना किस प्रकार से की जाएगी कि उनको सज़ा मिले, उसको उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। अभी तक के जो क्लूज मिले हैं वो यही मिले हैं कि जो घर में प्रवेश हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और घटना अंजाम देने के बाद वो किस प्रकार से निकले। इसमें जल्दी जो आरोपी उनकी पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हत्या वाला मामला की बात चली रही तो एक समाचार आपके बदनावर को भी दिखाई दूं। बदनावर करने का शेरगढ़ में मानस स्कूल वाला कर्मचारी बिंदु सिंह राठौर मने बिंदु बना के गया गुरुवार की हत्या हो गई थी, चार दिन वही गया। कानवन वाली पुलिस हाल तक हत्यारा उनको सुराग नहीं ढूंढी पाई है। स्कूल से घर आता टेम रस्ता में कजा किंड ने इनके गोली मारी दी थी। एसपी साहब मनोज कुमार सिंह जी बताई रहा थोड़ा घना सुराग तो मिलिया है, बहुत जल्दी आखो मामलों खोली दांगा। पुलिस को इलाज कैसे कही हुए जरा यो भी बताई ना। चिमनगंज मंडी थाना का तीन नवा मेहमान उनकी खातिरदारी देखी लो। एक को नाम है जीतू उर्फ टन निवासी नगर मोहन, दूजो यश उर्फ तोतू इको घर संजय नगर में होतू, तीजा की मूछ की रेख बराबर नहीं आई है आने वास्ते इको नाम नहीं दे सका। चिमनगंज मंडी वाली टीम ने तीन के गड़ा चेकिंग करता हुआ धरियो थो, दरवाग बाद जरा शंका हुई तो हल्को टांगी दियो। इका बाद इनका गणेश नो तो मोटरसाइकिल ने तीन मोबाइल उन मिली गया भाई। उन शोक शोक मैच माधव नगर ने नाना खेड़ा वाला इलाका उनसे मोबाइल लूटी के लाया था, मोटरसाइकिल चुराई के आया था। तीन ही अपनी कला प्रदर्शन इंदौर का विजयनगर में भी करी के आई गया था। यहाँ खातिरदारी पूरी हो जाए इका बाद इंदौर वाला भी इनके नोतवाने आएगा। कल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक आरोपचारी भी है। उनके पास से 9 मोटरसाइकिल है और 3 मोबाइल पुलिस ने रिकवर किए हैं जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। सर पूर्व के भी रिकॉर्ड हैं इनके? जी पूर्व के भी इनका जब रिकॉर्ड चेक किया गया है तो अभी तक जो जानकारी आई है उसमें इनके द्वारा लूट और डकैती की योजनाएं संबंधी अपराध इनके अभी पाए गए।